हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप चैट को लेकर काफी सारी बात सामने आ रहा है और एनसीबी ने इस व्हाट्सएप चैट से इन्फॉर्मेशन निकाल के इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस, राइट हियर इन दिस ग्रीन चैट इज द नेम विद डी। दिस इज द नेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड लेट मी एक्सपैंड इट सम मोर फॉर यू। दिस इज द व्हाट्सएप चैट दैट इज बिटवीन दीपिका पादुकोण। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप चैट कितना सिक्योर है? व्हाट्सएप चैट्स मैसेजेस, कॉल, वीडियो कॉल, इमेजेस, कुछ भी एंड टू एंड इनक्रिप्ट है। ये व्हाट्सएप में लिखा है, चलो आपको बताता हूँ इनक्रिप्ट मैसेज क्या होता है। तुमने एक मैसेज तुम्हारे फ्रेंड को सेंड किया और वो मैसेज व्हाट्सएप की सर्वर पे गया और सर्वर से वो मैसेज तुम्हारे फ्रेंड के पास जाएगा। मतलब तुम्हारे मोबाइल से डायरेक्ट मैसेज तुम्हारे फ्रेंड के पास नहीं जाता है, बीच में ये जो सर्वर है वहाँ पे तुम्हारा मैसेज एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा कोड जो कोई समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब आप सोचते होंगे एनसीबी के पास इतना व्हाट्सएप चैट्स इन्फॉर्मेशन कैसे आया? वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उनके पास पावर है, वो किसी का भी व्हाट्सएप चैट्स इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, व्हाट्सएप में एक बैकअप होता है, आपको तो पता ही होगा। और तुम जब बैकअप करते हो व्हाट्सएप की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से बैकअप हो जाता है, मतलब आई क्लाउड या गूगल ड्राइव से। फिर वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एनक्रिप्ट नहीं रहता है, वो डिक्रिप्ट रहता है, मतलब सेफ नहीं है। और आगे जाके तुम्हारे फोन कोई क्लोन करके वो डाटा को पढ़ सकता है, मतलब व्हाट्सएप से जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन था सब कुछ कोई देख सकता है। और एनसीबी ने फोन को क्लोन करके व्हाट्सएप चैट की इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। और गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास पावर होता है, इसीलिए वो फोन को क्लोनिंग करके डाटा निकाल सकते हैं। तुम जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो इसे कभी मत करना, वो इलीगल है। और व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन आता है, उसको हमेशा ऑन रखो।